नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। अगर डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं तो पेशेंट कई कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क से बच जाता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स में टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स क्या होने चाहिए। तो इन टारगेट ब्लड शुगर लेवल्स को हम डिस्कस करेंगे HbA1c के रेफरेंस में। तो सबसे पहले HbA1c क्या है? HbA1c का मतलब है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, और ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनता है ग्लूकोज के हीमोग्लोबिन के जुड़ने से। मतलब जब ग्लूकोज हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ जाता है तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन बनता है। और ये HbA1c ये फास्टिंग ब्लड शुगर का जो टेस्ट होता है उससे ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये 3 महीने के कंट्रोल को बताता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स के 3 महीने के कंट्रोल को बताता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल को बताता है। तो ये फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट से ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में क्या टारगेट HbA1c लेवल्स रहने चाहिए। तो अगर हम यंग पेशेंट्स की बात करें जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम है, तो इन पेशेंट्स में HbA1c लेवल्स लेस देन 7 रखे जाते हैं। और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के हिसाब से HbA1c 7 कॉरेस्पॉन्ड करता है एस्टिमेटेड एवरेज ग्लूकोज इक्वल्स टू 154 मिलीग्राम पर डीएल। और HbA1c लेस देन 7 रखने के लिए पेशेंट को अपना फास्टिंग ब्लड शुगर 80-130 मिलीग्राम पर डीएल की रेंज में रखना चाहिए, और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर जो कि पेशेंट खाना खाने के 2 घंटे बाद नापता है उसे लेस देन 180 मिलीग्राम पर डीएल रखना चाहिए। तो यंग पेशेंट्स में जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम है उनमें टारगेट HbA1c लेस देन 7 रखा जाता है। और अगर हम बात करें उन डायबिटिक पेशेंट्स की जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा है, जैसे कि बच्चे या फिर ओल्डर इंडिविजुअल्स, एल्डरली पॉपुलेशन जो है, इन लोगों में टारगेट HbA1c लेवल्स 8 से 8.5 के बीच में रखा जाता है। और जो पेशेंट्स जिनकी लिमिटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, या फिर जिनमें सीवियर कोमॉर्बिडिटीज है, या फिर जिनमें कॉम्प्लिकेशंस जिनके शरीर में ज़्यादा है, उनमें भी टारगेट HbA1c लेवल्स 8 टू 8.5 के बीच में रखा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल के बारे में। इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कोशिश करी जाती है HbA1c लेवल्स को नियर नॉर्मल रखने की, नियर नॉर्मल रेंज रखने की, यानी कि इसमें HbA1c लेवल 6 से 6.5 के बीच में रखने की कोशिश की जाती है। अब इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल का जो फायदा होता है वो होता है ये कि ये इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल माइक्रोवैस्कुलर जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, जैसे कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी में सूजन, या फिर दूसरी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि डायबिटीज़ की वजह से नसों की सूजन, और तीसरी माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि डायबिटीज़ की वजह से आंखों की पर्दे की सूजन। तो इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल्स है इन माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस का जो प्रोग्रेस है वो स्लो हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से किडनी की सूजन, आंखों की पर्दे की सूजन, या फिर नसों की सूजन, इसका जो प्रोग्रेशन है या फिर इसका रिस्क है वो इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल से कम हो जाता है। पर अगर हम बात करें मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जिसमें कि हार्ट अटैक की रिस्क, स्ट्रोक की रिस्क, स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात, और या फिर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज की रिस्क, इन मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क का इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल के साथ रिलेशन कम ही स्टडीज में पाया गया है। तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रिस्क को कम करने के लिए पेशेंट को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि पेशेंट को स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, अल्कोहल मॉडरेशन में लेना चाहिए, और ब्लड प्रेशर भी डायबिटिक पेशेंट्स का कंट्रोल में रहना चाहिए। कोशिश करें कि डायबिटिक पेशेंट उनका ब्लड प्रेशर 130 से 80 mmHg से कम ही रहे। उसके अलावा पेशेंट को जो भी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस एडवाइस करी गई है वो पेशेंट स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके अलावा रोज़ एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना लें, और इसके अलावा
पेशेंट का वेट भी नॉर्मल रेंज में रहे ही रहे, और जो एशियन गाइडलाइंस के हिसाब से जो नॉर्मल बीएमआई रेंज है वो है 18.5 से 22.9 के बीच में, तो पेशेंट कोशिश करे कि उसका बीएमआई 20 से 22.5 के बीच में ही रहे। इसके अलावा अगर पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, यानी कि सीरम कोलेस्ट्रॉल और सीरम ट्राइग्लिसराइड आउट ऑफ रेंज आ रहे हैं, बढ़े हुए हैं, तो पेशेंट को इनको कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब सीरम कोलेस्ट्रॉल के लिए डॉक्टर्स स्टैटिन क्लास ऑफ ड्रग्स एडवाइस करते हैं, जिसमें कि अटोरवा स्टैटिन, रोजवा स्टैटिन आती है, और सीरम ट्राइग्लिसराइड के लिए डॉक्टर्स फेनोफाइब्रेट नाम की दवाई एडवाइस करते हैं, तो वो पेशेंट को स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके अलावा एस्प्रिन नाम की एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी कई बार डॉक्टर डायबिटिक पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं, तो अगर आपको डॉक्टर ने एस्प्रिन स्टार्ट करी है तो उसे आप रेगुलरली लें, क्योंकि एस्प्रिन भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करती है। इसके अलावा कई एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस हैं, जैसे कि जीएलपी वन रिसेप्टर एगोनिस्ट, जिसमें एक्जेनाटाइड, लीराग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड नाम की ड्रग्स आती है, और या फिर SGLT2 इनहिबिटर्स, जिसमें डापाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, कानाग्लिफ्लोजिन नाम की ड्रग्स आती है। ये दो क्लास जो हैं ड्रग्स की, ये भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को कम करती है, पर इस इंटेंसिव ब्लड ग्लूकोज ट्रीटमेंट के कई नुकसान भी हैं, जैसे कि इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल की वजह से पेशेंट में जो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का रिस्क है वो बढ़ जाता है, और कई बार इस इंटेंसिव ग्लाइसेमिक कंट्रोल के टारगेट को अचीव करने के लिए पेशेंट्स में मल्टीपल ड्रग्स स्टार्ट कर दी जाती है, और इन मल्टीपल ड्रग्स की वजह से जो कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट का, तो ये भी एक पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, कॉस्ट का स्ट्रेस। इसके अलावा कई बार जो ये मल्टीपल ड्रग्स दी जाती है इनकी वजह से पेशेंट में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कई ड्रग्स एंटी डायबिटिक ड्रग्स ये वेट गेन कराती है, जैसे कि इंसुलिन वेट गेन कराती है, ग्लिमिप्राइड की वजह से वेट गेन होता है, ग्लाइबुराइड की वजह से वेट गेन होता है, तो ये भी पेशेंट के लिए एक नुकसान वाली बात है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी ट्रीटमेंट डायबिटिक पेशेंट में स्टार्ट किया जाए वो हर इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से टेलर्ड होना चाहिए, उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी पेशेंट को पूरा फायदा पहुंचेगा। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, और यंग पेशेंट्स जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम है वो कोशिश करें कि अपना HbA1c लेवल है वो लेस देन 7 से कम रखने की, क्योंकि इससे उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा ही मिलेगा और कॉम्प्लिकेशंस के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो अपना ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रखिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।